Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener in Indian Medical Association. आज हम बात करेंगे how to do effective communication with doctors. This video is for patients. So, ये जो video है वो basically patient management in ward, in OPD और फिर in recovery room in OT. So, how to communicate with the doctors? जैसे there are few basic things कि if you have ever seek the treatment for any other disease or for mostly for this disease from other doctors, do bring documents. आप documents ले जाएं और basically अगर आपको लगता है कि आप कोई important चीज़ भूल जाओगे तो एक just make a, जैसे काफ़ी patient geriatric age group में होते हैं, older patient होते हैं उनमें, और वो they are not accompanied by any attendant, so वो अकेले आते हैं OPD में, hospital में, तो वो एक paper पे लिख लें जो आप doctor को बताना चाहते हो, ताकि आप कई बार आप क्या होगा कि आप doctor have less time for per patients ना, due to the patient load in most of the hospitals. So आप अगर paper पे लिखोगे तो आप जल्दी बता दोगे तो better रहेगा patient को. जैसे आपको कई लगता है कि कई बार क्या होता है कि कोई swelling है जो होती है फिर चली जाती है, तो आप उसका फोटो क्लिक कर लो, वीडियो बना लो. टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड अ लॉट इन लास्ट 10-15 ईयर्स, सो ट्राई टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी इन द बेनिफिट ऑफ यू रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ योर डिजीज. तो ऐसे करो, आप वीडियो फोटो बना रख लो. पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपको लगता है बहुत पुराने हैं, लॉस्ट हो गए, लेकिन इसी डिजीज का ट्रीटमेंट हमने 20-25 ईयर्स बैक लिया था, तो मेक अ PDF आउट ऑफ इट. जैसे स्पेशली ओल्डर पीपल हैं, आस्क योर किड्स टू, आस्क योर सन एंड डॉटर्स टू मेक वीडियो PDF ऑफ इट एंड उसको आप फ़ोन में रखो. और इसके अलावा आई से कि Never miss any important thing. जैसे suppose करो कोई कहीं से कुछ discharge आ रहा है, वो लेकिन intermittently आ रहा है, तो जब भी आए आपको लगे उसकी photo click कर लो आप. और regarding something like कि और if you have any query, let the doctor complete their what they are talking, then ask your query. Because कई बार क्या होगा कि जो डॉक्टर जो आपको एक्सप्लेन करेगा उसमें ही आपके मोस्ट ऑफ द 70-80% क्वेरी सॉल्व हो जाएगी. सो दिस इज़ द थिंग रिगार्डिंग वार्ड में कम्युनिकेशंस के. इफ द डॉक्टर इज ऑन राउंड, सो मेक अ हैबिट कि ऐसा कोई डॉक्टर होगा जो हमेशा वार्ड में होगा, जूनियर मोस्ट होता है, आप उसको मोस्ट ऑफ द चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं, बिकॉज देन दे विल फिल्टर इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दे विल कम्युनिकेट टू द सीनियर डॉक्टर. इफ़ यू फील कि उन्होंने शायद मिस कर दिया कुछ चीज़, तो यू कैन पोलाइटली टेल टू द सीनियर डॉक्टर ऑल्सो. बट आपको क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इन वार्ड इज बीइंग डन बाय द जूनियर मोस्ट डॉक्टर, जो वार्ड में हमेशा रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो 24 आवर्स रहते हैं, तो आपको उनको मोस्ट ऑफ द चीज़ें कम्युनिकेट करनी है. बाकी आपको जैसे कोई भी सर्जरीज होती है उसकी प्रिकॉशंस बताते हैं, प्रिकॉशंस को बहुत स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो करें. अगर आपको लगता है आपने कुछ चीज़ मिस कर दी है, कोशिश करें अपने डॉक्टर की प्रिकॉशंस फॉलो करने की. लेकिन यूट्यूब पे हर डिजीज़ की प्रिकॉशंस है, इवन वेरी गुड डॉक्टर्स हैव मेड. आई हैव ऑल्सो मेड प्रिकॉशन वीडियो फॉर ENT सर्जरीज, फॉर मोस्ट ऑफ द सर्जरीज, सो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो. और रिगार्डिंग एनीथिंग और कोई और जैसे कि आपको कोई क्वेरीज रहती है या मेडिसिंस रिलेटेड आपको रहता है कि कई बार मेडिसिंस कैसे खानी है वगैरह, ये जनरली जो मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं वो आपको बता देंगे, तो दीज थिंग्स आर नॉट नीडेड टू बी आस्क्ड फ्रॉम डॉक्टर. हाँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि आपको सपोज डॉक्टर ने कुछ बोला था और फार्मासिस्ट ने कुछ और बोला है, सो देन यू कैन गेट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द डॉक्टर. होप दिस वीडियो विल बेनिफिट यू ऑल. इफ यू वॉन्ट टू बुक एनी कंसल्टेंसी रिलेटेड टू एनी ईयर नोज थ्रोट डिजीज, यू कैन बुक द कंसल्टेंसी बाई क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वीडियो, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.